हमारे देश की विशालता और विविधता, इसको याद करना, इसको नमन करना हर भारतीय को गर्व से भर देता है। और इस विविधता के अनुभव का अवसर तो हमेशा ही अभिभूत कर देने वाला, आनंद से भर देने वाला, एक प्रकार से प्रेरणा का पुष्प होता है। कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के हुनर हाट में एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृति, परंपराओं, खान पान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किए। पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश का शानदार लेदर का काम, तमिलनाडु की खूबसूरत पेंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, भदोही की कालीन, कच्छ के कॉपर के उत्पाद, अनेक संगीत वाद्य यंत्र, अनगिनत बातें, समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी। और इनके पीछे शिल्पकारों की साधना, लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की कहानियां भी बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेंटिंग्स बेचती थी, लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। आज वो न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है। हुनर हाट में मुझे कई और शिल्पकारों से मिलने और उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला। मुझे बताया गया है कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में 50% से अधिक महिलाएं हैं और पिछले 3 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग 3 लाख कारीगरों, शिल्पकारों को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही, साथ ही साथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है। एक जगह है जहां इस देश की विविधता को अनदेखा करना असंभव ही है। शिल्प कला तो है ही है, साथ साथ हमारे खान पान की विविधता भी है। वहां एक ही लाइन में इडली डोसा, छोले भटूरे, दाल बाटी, खमन खांडवी, न जाने क्या क्या था। मैंने खुद भी वहां बिहार के स्वादिष्ट लिट्टी चोखे का आनंद लिया, भरपूर आनंद लिया। भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले, प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है। भारत को जानने के लिए, भारत को अनुभव के लिए जब भी मौका मिले जरूर जाना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत को जी भर जीने का यह अवसर बन जाता है। आप न सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे बल्कि आप देश की मेहनती कारीगरों की, विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे। जरूर जाइए।